टॉप हेडलाइंस फॉर द डे। इस साल ईद पर रिलीज होने वाली सलमान खान की मच एंटिसिपेटेड फिल्म रेस 3 को लेकर मीडिया में हर रोज कोई ना कोई नई खबर आती ही रहती है। अब ऐसे में इस फिल्म के एक्शन डायरेक्टर टॉम स्ट्रदर्स ने किया एक बड़ा खुलासा। जी हाँ, एक हालिया इंटरव्यू के दौरान जब टॉम स्ट्रदर्स को रेस 3 के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था रेस और रेस 2 से रेस 3 काफी बड़ी होगी। इस मीडिया इंटरेक्शन के दौरान इस फेमस हॉलीवुड स्टंट डायरेक्टर ने यह भी बताया, रेस और उसके दूसरे भाग में दर्शकों को सिर्फ एक्शन और स्टंट ही देखने को मिला था, लेकिन रेस 3 में इससे कई ज्यादा बढ़कर चीजें हमें देखने को मिलेंगी। बता दे, वैसे तो सलमान खान को उनके सिकंदर वाले अवतार में देखने की दिलचस्पी हर किसी में थी, लेकिन अब टॉम स्ट्रदर्स के इस बयां के बाद एक्साइटमेंट का पारा और भी बढ़ता नजर आ रहा है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? आप रेस 3 के लिए कितने उत्सुकता से भरे हैं, हमें जरूर लिख भेजे नीचे कमेंट सेक्शन में। बॉलीवुड स्पाई के लिए मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान। अब भारत से जुड़ा करीना कपूर का नाम। वेल, सलमान खान की अपकमिंग वेंचर भारत इन दिनों कई वजहों को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है, जिसमें से एक अहम वजह ये भी है कि इस फिल्म की फीमेल लीड अभी तक तय नहीं हो पाई है। हालांकि अली अब्बास जफर के निर्देशन में बनने वाली इस फिल्म से प्रियंका चोपड़ा, श्रद्धा कपूर, यहां तक कि कटरीना कैफ का भी नाम जोड़ा गया। पर अब लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार करीना कपूर खान को इस फिल्म में सलमान खान के ऑपोजिट फाइनल कर लिया गया है। बता दे, इससे पहले भी क्योंकि मैं और मिसेस खन्ना, बजरंगी भाईजान और बॉडीगार्ड जैसी फिल्मों में इन दोनों की बेमिसाल केमिस्ट्री दिख चुकी है। अब अगर ये अफवाहें सच साबित होती है, ऐसे में एक बार फिर सलमान और करीना को स्क्रीन पे शेयर करते देखना वाकई दिलचस्प होगा, क्यों है ना दोस्तों? इस बारे में आपके क्या राय है हमें बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में, और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। दोस्तों, अजय देवगन ने पिछले साल जुलाई में तानाजी द अनसंग वॉरियर का अनाउंसमेंट किया, जिसके बाद उन्होंने इस अपकमिंग पीरियोडिकल वेंचर का फर्स्ट लुक शेयर करते हुए इस लार्ज स्केल वेंचर को जल्द से जल्द पर्दे पर उतारने का वादा भी किया था। लेकिन उस वक्त इस मच प्राइसी वेंचर के साथ दो और प्रोडक्शन हाउस और एक स्टूडियो कॉन्ग्लोमरेट भी जुड़ी हुई थी, जिसने धीरे धीरे समय के साथ इस प्रोजेक्ट से बैकआउट कर लिया। लेकिन इस फिल्म को लेकर अजय का हौसला थोड़ा सा भी नहीं तिलमिलाया और अब उन्होंने इस पीरियोडिकल ड्रामा को 3D में बनाने का निर्णय लिया है। जी हाँ, रिपोर्ट्स के अनुसार तानाजी द अनसंग वॉरियर का प्री प्रोडक्शन वर्क इन दिनों फुल स्विंग में चल रहा है और कुछ ही महीनों के अंदर इसकी शूटिंग भी शुरू कर दी जाएगी। बता दे, तानाजी की कहानी वीर मराठी योद्धा सूबेदार तानाजी मालुसरे की जिंदगी पर आधारित होगी। डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने अपने फैंस को दिया एक स्पेशल मैसेज। वेल, सलमान खान और अली अब्बास जफर एक बार फिर फिल्म भारत से वापसी करने जा रहे हैं और इस बात से तो हम सभी वाकिफ हैं। लेकिन अब इस फिल्म से जुड़ी एक खास मैसेज अली ने अपने फैंस के साथ किया शेयर। जी हाँ, इस दिन ट्वीट कर अली अब्बास जफर ने बताया, भारत का प्री प्रोडक्शन वर्क फुल स्विंग में चल रहा है। इस फिल्म से जुड़ी और भी दिलचस्प बातें आने वाले दिनों में शेयर किए जाएंगे। बता दें, सुल्तान और टाइगर जिंदा है के बाद भारत इस एक्टर डायरेक्टर डुओ की तीसरी आउटिंग होगी, जहां सलमान खान एक ऐसा किरदार निभाते नजर आएंगे जिसके जिंदगी के 70 साल के सफर को पर्दे पर दर्शाया जाएगा। हालांकि अभी तक इस फिल्म की फीमेल लीड तय नहीं हो पाई है, लेकिन किसी ए लिस्टेड एक्ट्रेस की इस फिल्म में होने की कायस लगाई जा रही है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। जहां अभी तक बिग बॉस 11 के कंटेस्टेंट्स और उनके हाई वोल्टेज ड्रामा से हम उभरने की कोशिश में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर बिग बॉस 12 का आगाज दे दिया गया है। जी हाँ, पर एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। वेल, इस बार कंटेस्टेंट्स अकेले नहीं बल्कि जोड़ियों में आएंगे और ये जोड़ीदार कोई भी हो सकता है, जैसे कि पेरेंट्स, रियल लाइफ पार्टनर्स या फिर दोस्त। अब ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा, इस कॉन्सेप्ट के साथ घर में कंटेस्टेंट्स और उनके जोड़ीदार एक दूसरे के साथ खेलते हैं या फिर अपने ही पार्टनर के खिलाफ लॉबी बनाते हैं। बता दें, बिग बॉस के इस 12वें सीजन के लिए ऑडिशंस भी शुरू हो चुके हैं,
ऐसे में इस बार कौन कौन से सेलेब्स इस सीजन के साथ जुड़ने जा रहे हैं ये जानने की भी काफी उत्सुकता होगी। तो दोस्तों, बिग बॉस 12 के घर में जोड़ियों के डबल धमाके के लिए क्या आप हैं तैयार? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं हूं मंदिरा टैगोर और टेलीविजन से जुड़े ऐसे ही मसालेदार खबरों के लिए देखते रहिए बॉलीवुड स्पाई। जम्मू का बेहद दिल दहला देने वाला ममता कठुआ रेप केस ने एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस घटना से न सिर्फ आम जनता का गुस्सा फूटा बल्कि कई बॉलीवुड सेलेब्स ने भी सोशल मीडिया के जरिए अपनी भड़ास निकाली है, जिसमें से एक नाम करीना कपूर खान का भी है। बता दे, वैसे तो करीना किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ताल्लुक नहीं रखती हैं, लेकिन खासकर आसिफा के लिए इंसाफ की मांग रखने करीना सामने आई हैं। हालांकि जहां दूसरे स्टार्स #justiceforasifa के प्लेकार्ड के साथ सोशल मीडिया पर प्रोटेस्ट करते नजर आए, वहीं करीना ने #justiceforourchild लिख इस मुद्दे को अपने दिल के और भी करीब ले लिया। वी होप आम जनता से लेकर स्टार्स तक हर किसी की ये प्रोटेस्ट आसिफा के लिए इंसाफ लेकर आए और इस केस के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैं हूँ मंदिरा टैगोर और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए बॉलीवुड स्पाई। सलमान खान इन दिनों कटरीना कैफ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है और इस मेहरबानी की वजह से देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा फंसी मुश्किलों में। दरअसल पिछले कुछ समय से प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड में कमबैक करने की कोशिश में लगी हुई हैं। ऐसे में जहां सलमान खान की फिल्म भारत से उनके लौटने की उम्मीद थी, वहीं अब ये उम्मीद भी फीकी पड़ती नजर आ रही है। वेल, बॉलीवुड की गलियारों से उड़ते उड़ते खबरें आई हैं कि भारत से अब प्रियंका का पत्ता साफ करते हुए सलमान ने कटरीना को चुन लिया है। बता दे, जहां एक तरफ पिगी चॉप्स इस बिग वेंचर से जुड़ने के लिए हाथ पैर मार रही थी, वहीं कटरीना भी सुल्तान के साथ साथ इस फिल्म के प्रोड्यूसर यानी सलमान की बहन अलविरा अग्निहोत्री और डायरेक्टर अली अब्बास जफर को लगातार मक्खन लगा रही थी। ऐसे में अपनी टाइग्रेस को नजरअंदाज करते हुए सलमान प्रियंका को कैसे चुन लेते, क्यों, है ना दोस्तों? इस बारे में आपके क्या राय है हमें बताइए नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में। कुछ सालों पहले मैरी कॉम के प्रमोशन के दौरान प्रियंका चोपड़ा ने खुद इस बात का जिक्र किया था कि उनसे बेहतर डॉन की जंगली बिल्ली और कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन जब डॉन 3 को लेकर मीडिया में खबरें उड़ने लगी, उसमें कहीं भी प्रियंका चोपड़ा का कोई जिक्र नहीं किया गया। क्या आप डॉन की जंगली बिल्ली कोई और बनने जा रही है? क्या आप डॉन सीरीज के मेकर्स एक नए रोमा की तलाश में है? इन सारे सवालों के साथ साथ एक और सवाल भी इस वक्त उठता है, क्या किसी बॉलीवुड डीबा के लिए इस ग्लोबल आइकॉन को रिप्लेस करना आसान होगा? बता दे, देसी गर्ल से बेवॉच बेब बनी प्रियंका आखिरी बार जय गंगा जल में नजर आई थी। ऐसे में उन्हें डॉन 3 में देखना तो इंतजार सबको था, लेकिन अब तक डॉन 3 के मेकर्स की तरफ से कोई पहल ना देखते हुए तो ऐसा ही लगता है जैसे इस बार मेकर्स को एक नई रोमा की तलाश है। लेकिन इस बात पर प्रियंका के साथ साथ हमारा भी यही मानना है कि उनसे बेहतर डॉन की जंगली बिल्ली और कोई बन ही नहीं सकती, क्यों, है ना दोस्तों? इस बारे में आपके क्या राय हैं हमें बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। डायरेक्टर रेमो डिसूजा अपनी अगली डांस फिल्म की अनाउंसमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं, जहां कैटरीना कैफ और वरुण धवन एक साथ स्क्रीन पे शेयर करते नजर आएंगे। हालांकि इस फिल्म की कास्टिंग ही दर्शकों के एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए काफी थी, पर अब इस फिल्म से जुड़ी एक बेहद दिलचस्प बात सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रेमो डिसूजा के निर्देशन में बनने वाली इस फिल्म को 4D में बनाया जाएगा। बता दे, हाल ही में जब इस बारे में डायरेक्टर रेमो डिसूजा से पूछा गया तो उनका कहना था, हम भी इस आइडिया के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि किसी फिल्म को 4D में बनाने के लिए कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है और सिर्फ इसे 4D में बनाने के लिए हम इसके स्टोरी लाइन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। यानी वरुण और कटरीना स्टारर ये अपकमिंग वेंचर इंडिया की पहली 4D फिल्म बन सकती है। दोस्तों, इस बारे में आपके क्या राय है हमें बताइए नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ।
रेस 3 की शूटिंग लगभग खत्म होने को आई। ऐसे में जब इस फिल्म के स्टंट डायरेक्टर टॉम स्ट्रूथर्स से सलमान खान के साथ उनके काम करने के अनुभव को पूछा गया तो उनका कहना था, मैं शायद एकमात्र ऐसा वेस्टर्न स्टंट डायरेक्टर हूँ जिसने 2 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते, जिसमें से एक मैंने सोलली टाइगर जिंदा है के लिए जीता और ये एक सम्मान है। इस दौरान जब टॉम स्ट्रूथर्स से ये पूछा गया क्या वो सलमान के साथ काम करने से पहले ही उन्हें पहचानते थे, इस पर उनका कहना था, उनके पर्सनालिटी की वजह से उन्हें कौन नहीं जानता, जिस तरह प्यार से वो सबके साथ पेश आते हैं उनमें और दूसरे हॉलीवुड एक्टर्स जैसे क्रिश्चियन बेल और लियोनार्डो डिकैप्रियो में कोई अंतर नहीं। वो कभी भी कोई भी स्टारी टैंट्रम्स नहीं दिखाते। शायद लोग इस बात से वाकिफ ना हो लेकिन पूरे विश्व में सलमान की गिनती 6th हाईएस्ट फाइनेंशियल अर्नर्स में होती है। सिर्फ हॉलीवुड या फिर बॉलीवुड में ही नहीं, उनकी चाइना में भी काफी फैन फॉलोइंग है। ऐश्वर्या राय बच्चन और सलमान खान बॉलीवुड के आसमान में वो सितारे हैं जो बिछड़ कर भी एक दूसरे के साथ जाने अनजाने में अपना नाम जोड़ ही लेते हैं। Well, जब हम दिल दे चुके सनम के वक्त इन दोनों ने डेट करना शुरू किया, हर किसी की नजरें इन्हीं पर आकर थम गई। After all, Miss World के India's most desirable bachelor को डेट करने की खबर थी ही इतनी दिलचस्प, पर कच्चे धागों का ये रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चल पाया। लेकिन हाँ, आज भी किसी ना किसी बहाने से फैंस उनका नाम एक साथ जोड़ ही देते हैं। बता दे, एक ऐसा ही इंटरव्यू आज हमारे हाथ आया है जहां ऐश्वर्या ने सलमान को सेक्सीएस्ट मैन का टाइटल दिया था। जी हाँ, 1999 में सिमी गरेवाल के शो पर पहुंची ऐश्वर्या को जब शो के होस्ट ने पूछा उनके मुताबिक इंडस्ट्री के मोस्ट गॉर्जियस एंड सेक्सीएस्ट मैन कौन है, तो इस पर बहुत सोच विचार करने के बाद ऐश्वर्या ने सलमान खान का नाम लिया था। तो दोस्तों, इस बारे में आपके क्या राय हैं हमें बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। और फ्लैशबैक फ्राइडे एक बार फिर बॉलीवुड के गलियारों से ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स और खबर लेकर आएंगे बॉलीवुड स्पाई के साथ।